देखें जनाब, ये हो गई है इसकी कंडीशन, ठीक है ना। अब इसको जो है इस तरह मज़ीद और पकाया जाएगा। अभी ये मसाला इनका तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको जो है कढ़ाई में डाल के और हल्का सा तेल डाल के भुना जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शावानी व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, सब ठीक ठाक? आज जो है हम आपको एक स्पेशल डिश बताने जा रहे हैं मेमनो की, जो कि ख़ास तौर पे सर्दियों में खाई जाती है। तो ऐसा है कि हम आपको इसकी डिटेल्स बताएंगे और इंशाल्लाह किस तरह मतलब बनता है, क्या चीज़ है, वैरायटी क्या है और खाने में कैसा है। तो खाने में तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है, हम तो सर्दियों में जैसे सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं तो हम खाते रहते हैं, और गर्मियों में भी खाते हैं और खा भी सकते हैं, मगर गर्मियों में असल में वो जो है क्वालिटी नहीं मिलती, इसलिए गर्मियों में बहुत कम खाया जाता है। और वो क्या चीज़ है मैं उसका नाम अभी नहीं ले रहा, और नाम ना लेने की वजह ये है कि मैं आपको डायरेक्ट बताऊंगा कि आया कि वो है क्या चीज़, ठीक है ना। तो बहरहाल खाने की चीज़ है, बेहतरीन चीज़ है, और आप उसको देखें, दिल चाहे तो आप हमें ऑर्डर भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और बाकी डिटेल मैं आपको इंशाल्लाह आगे बताता हूँ कि क्या चीज़ है, आइए मिलते हैं। जी जनाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी हम कुछ स्पेशल बनाने जा रहे हैं, ये भी एक मेमनो की स्पेशल डिश है, बैंगन का भरता, ठीक है ना। अब वो कैसे बनता है, किस तरह बनता है, वो हम आपको दिखाते हैं। पहले तो इसके लिए स्पेशल ऐसा होना चाहिए, ये गोल भरते होने चाहिए, इस बैंगन होने चाहिए गोल और बड़े होने चाहिए, ताकि बेहतरीन इसका जो है इसका बनाया जाए भरता, क्योंकि बड़े नहीं होंगे और छोटे छोटे होंगे तो मज़ा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो हम आपको दिखाते हैं आगे का स्टेप। ये देखें, इसको बैंगन को जो है तेल लगाया जाता है, जो आपका कुकिंग ऑयल होता है ना वो तेल लगाया जाता है, और ये माचिस की जो तिल्ली है ना इसको छोटे पीस करके इसको इस तरह फंसा दे, ताकि इसकी जो भाप होगी वो अंदर तक जाए, ठीक है ना। ये इस तरह से करके फिर इसके बाद जो है इस तरह चूल्हे पे रख दिया जाए, और चूल्हे पे रखने के बाद आप इसको हल्की आंच पे, और ये पीछे देख रहे हैं लकड़ी जल रही है, ये जल के ख़त्म हो जाएगी, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप ये सुराख हो जाएगा ना तो मतलब ये कि अंदर में भाप भी जाता रहेगा, इशू नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरह, मगर इसको वक्त ब वक्त इसको घुमाते भी रहना है, ऐसा नहीं कि वन साइड आपने रख के जो है फिर इसको पता चला जल गया, ये वन साइड ही जल गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ देर के बाद, कितनी देर मतलब चेक करते रहें। अब ये देखें, अब ऐसा ऐसा ये घुमाते रहें, ठीक है, हर एक आध मिनट में 15 सेकंड में आप इसको घुमाते रहें। देखें जनाब, ये हो गई है इसकी कंडीशन, ठीक है ना। तो अब इसको जो है इस तरह मज़ीद और पकाया जाएगा, अभी भी कच्चा है, चेक किया है मगर अभी भी कच्चा है। तो अभी है कि जैसे जैसे ये पकेगा तो इंशाल्लाह पकने के बाद आपको इसका मज़ीद क्या होना है वो आपको बताते हैं इंशाल्लाह। जी जनाब, ये हो गया है तैयार, और ये आ गया दूसरा भी। अब इसके बाद इसका क्या हाल होना है वो आप देखें, आगे कंटिन्यू। इसके छिलके उतारे जाएंगे ऐसा ऐसा करके, क्योंकि छिलके नहीं खाए जाते, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा ये छिलके उतारने हैं आपने तरीके से। जी जरा, ये हमारे यहाँ अक्सर जो है ना सर्दियों में खाया जाता है, ये मेमनो की ये एक स्पेशल डिश है, जैसे दाल चावल है इसी तरह ये भी है, मगर ये सर्दियों में खाया जाता है ज़्यादातर। अब ये देखें उतर गया पूरा, अब इसको इसी तरह ये दूसरा इसी तरह सेम प्रोसेस है, सबको इसी तरह उतारा जाएगा छिलके इसके, और इसी तरह इसको
जो है हल्के हल्के कट मारेंगे तो ये इसका भरता बन जाएगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद इसके किस तरह खाया जाता है वो भी हम आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो जनाब ये भरता जो है ये अब भुना जाएगा, ठीक है ना। ये मसाला इनका तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी इसको जो है कढ़ाई में डाल के और हल्का सा तेल डाल के भुना जाएगा। आप ये सोचोगे मैं ऊपर से नीचे कैसे आ गया, ये ऊपर ऊपर से नीचे कैसे आ गया। तो भाई हम पाकिस्तान में रहते हैं ना भाई, तो ऐसा तो होगा, बर्दाश्त करना पड़ता है। क्योंकि भाई ये देखें, ये सिलेंडर वाले हमारे जो है ना, तो ये हमारा सिलेंडर चल रहा है और ये हमारा चूल्हा चल रहा है। तो भाई क्या करें, पाकिस्तान में रहना है तो बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अभी तो सर्दियाँ शुरू नहीं हुई, तो सर्दियाँ जब हो तब तो बात समझ में आती है, मगर क्या करें भाई, अल्लाह माफ़ करे हमारे हुक्मरान, हमारे जो बस अल्लाह ही माफ़ करे। तो इसलिए कहता हूँ कि भाई मेहरबानी करके, जैसे पिछले व्लॉग में मैंने आपको कहा था कि यार दुआ करें पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के लिए दुआ करेंगे ना सब तो सबका अच्छा हो जाएगा, पाकिस्तान अच्छा तो हम सब अच्छे, ठीक है। बहरहाल तो अब यह है कि ये इसकी किस तरह ये बनना है, बनेगा वो भी आपको बताता हूँ। और एक बात और, ये भुरता एक और तरीके से भी खाया जाता है, उसको बोलते हैं लहसुन। वो लहसुन सुबह नाश्ते में खाया जाता है बेसिकली। वो क्या तरीका है वो मैं जब बनेगा, जब सर्दी आने फिर बनेगा तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल इस पर कंटिन्यू करते हैं। तो जनाब ये हो गई है शुरू हमारी भुरते की बुनाई। पहले तेल डाला है, अब कुछ प्याज डालेंगे। इस प्याज को जो है हल्का सा गुलाबी करना है, लाल नहीं, जैसे कोरमे में लाल डाली जाती ना, लाल की जाती है, ऐसे नहीं, हल्की सी पिंक करना है, ऐसे ही है, ठीक है ना। तो इसको हल्का सा पिंक करना है। ये देखें हल्की सी ये गुलाबी हुई, ज़्यादा गुलाबी नहीं करनी, हल्की सी गुलाबी करनी। अब आप इसमें टमाटर और ये कटी हुई मिर्च ये डाल दें। इसको घुमाते रहें और डालते रहें। इसका पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती टमाटर पे, ठीक है ना। अब इसको अच्छी तरह आप मिक्स करें और साथ में ये लहसुन और लहसुन अदरक का पेस्ट आपने मिलाना है, लहसुन अदरक का पेस्ट अपने हिसाब से। अब ये टमाटर का जो अपना पानी होता है इसको जलाना होता है, ठीक है ना। और इस तरह मिक्स करते रहें, पानी जलता रहे, ठीक है ना, ऐसा ना हो कि प्याज भी जल जाए। तो इसलिए इसको चलाते रहें, और चलाने के साथ साथ इसको ध्यान रखें कि जले नहीं। आपको नज़र आ रहा होगा कि ये पानी है ना, ये पानी आपको नज़र आ रहा है, ये खुश्क हो जाए तब तक आप इसको जो है भूनते रहें, ये ज़रूरी है। जब तक हम ये तैयारी कर रहे हैं मसालों की, कि मसाले कितने हमें निकालने हैं उस हिसाब से, क्योंकि हम तो खाते हैं अपने हिसाब से, आप कितना खाते हैं वो अपने हिसाब से। तो क्या क्या चीज़ है ये मैं आपको बता दूं, ये लाल मिर्च है पिसी हुई, ये धनिया है, ये पिसा हुआ धनिया, ये कुटा हुआ धनिया, ठीक है, और ये लाल मिर्च, ठीक है, और नमक अपने हिसाब से, कि आप जितना खाते हो, तेज़ खाते हो या हल्का खाते हो वो आपकी मर्ज़ी है, ठीक। अजीब मसलों मसाइल हैं पाकिस्तान में यार। अब एक चूल्हे में सारे काम करने हैं, चावल भी बनने हैं, साथ में ये भी काम करना है, तो कैसे आदमी गुजारा करे यार, मुझे समझ में नहीं आती। हम फुल पे करते हैं बिल, बिल पे करते हैं फुल, और इसके बाद भी हमारे मुल्क के ये हालात हैं कि इस तरह से कि गैस गायब, हर साल यही रोना होता है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ कम जाती है, हमारे इलाके में बहुत कम जाती है, मगर जाती है। दूसरों का मैंने सुना है कि यार वो बेचारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, सुबह 4 बजे उठ के नाश्ता, दोपहर का खाना, तो रात का खाना, मतलब ये है कि सुबह 4 बजे उठ के बेचारे कर रहे होते हैं,
तो मतलब ये कि यार किस तरह सरवाइव कर रहे हैं लोग, हुकूमत को कोई एहसास ही नहीं है इस बात का, अफसोस की बात है। और मज़े की बात बताऊँ, गैस ना आते हुए भी गैस का बिल टना टन आता है, ऐसा आता है कि बस पूछे मत, के अजीब ही बात है। मीटर चल नहीं रहे, गैस नहीं आ रहा तो मीटर कैसे चलेंगे, मीटर नहीं चलेंगे तो बिल नहीं आना चाहिए ना भाई, कम आना चाहिए। मतलब अब बिल देखे, इतना बिल आ रहा है गैस का भी ना चलते हुए भी, तो चलेगा तो पर पता नहीं क्या हल करेंगे ये लोग, अल्लाह पूछे इन लोगों को। अब ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। आप देखें, अब इसमें जो है ना पानी ख़त्म हो गया, इसका अपना जो तेल होता है वो आ गया है, ठीक है ना। अब ये मसाला डाल रहे हैं सब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और ये मसाला इसमें मिक्स करें। अगर लेना अच्छी बात है, अगर खुदा ना खासा कल्टी हो जाए तो मसला हो जाए ना, से बेहतर है कि एहतियात करें, ठीक है। अब ये इस तरह पूरा मसाला, जी जनाब, अब आ गए भुट्टे की बारी। इसमें कड़ी पत्ते भी डाले हुए हैं, कड़ी ठीक पत्ते और है, हल्दी। कड़ी पत्ते और हल्दी। अब ये सारा डाल दिया गया है, इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। फिर इसके बाद जो है इसमें एक और आइटम डलेगी, वो क्या है वो भी बताते हैं। ये देखें, अच्छी तरह मिक्स किया जाए ताकि पूरा भरता जो है वो अच्छी तरह सब जगह मसाला बेहतरीन हो जाए। अगर वन साइड रह गया तो फिर पता चला है वन साइड नमक रह गया, वन साइड मिर्ची रह गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मुकम्मल तौर पे इसको अच्छी तरह हिलाना, मिलाना, मिक्स करना चाहिए, ठीक है, अच्छी तरह। थोड़ी सी मेहनत होती है मगर फल मिलता है मेहनत का। जी जनाब, ये जायके के लिए हमने चिकन पाउडर डाला हुआ है, थोड़ा जायका आ जाता है अच्छा। और कढ़ाई मसाला, ये हमारी तरतीब है भाई, ये कोई मतलब ये कि स्पेशल नहीं है कि यार ऐसा ही होता है, नहीं ऐसा नहीं, ये हम अपनी तरफ से एडिट कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि अच्छा जायका आ जाए। बाकी आपको मसाला डालना है तो आपकी मर्ज़ी है, नहीं डालना कोई मसला नहीं। और जिसको इसकी रेसिपी चाहिए हो वो मुझे ईमेल करें, मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल दोनों मिलेंगी, तो आप ईमेल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर यही है, ठीक है ना, तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मालूमात कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंशाल्लाह डिटेल में आपको मिल जाएगी रेसिपी। बाकी आप कमेंट्स में मुझे बताएं कि ये चीज़ आपको कैसी लग रही है। ये आपने देखा होगा कि मेमनों की एक और डिश है, वो है खाउसा, कितना मशहूर हुआ, मगर ये आइटम अभी तक मार्केट में नहीं आई, क्योंकि इसमें आप देख रहे हैं मेहनत भी है अच्छी खासी, मगर एक बार आप खाएंगे इंशाल्लाह बेहतरीन मज़ा आ जाएगा, गारंटी के साथ बता रहा हूँ। अच्छा, नमक जो है हम लोग पिंक नमक इस्तेमाल करते हैं, वैसे आप वाइट भी इस्तेमाल करना चाहें करते हैं, करने वाले करते हैं, मगर अब जो है हम लोग जो है पिंक नमक, जब से स्टार्ट हुआ है ना पाकिस्तान में आया, मतलब शुरू हुआ है आम मिलना, पहले तो बहुत महंगा हुआ होता था तो हम लोग इस्तेमाल नहीं करते थे, सीधी सी बात है, नॉर्मल जो नमक है हम लोग वही इस्तेमाल करते थे। अब जब से पिंक आना शुरू हुआ है हम लोगों ने पिंक ही इस्तेमाल शुरू कर दिया, तो बड़ा अच्छा पिंक है नमक, नमक जो है वो बहुत अच्छा है, हमें तो जायका बड़ा अच्छा लगा, तो हम तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं पिंक। अब वो देख लीजिएगा कि आपको कौन सा वाला, कौन सी कंपनी का इस्तेमाल करना है, वो आपकी मर्ज़ी है, मैं कंपनी की एडवर्टाइज़ नहीं करना चाह रहा। अच्छा, एक और एडिशनल हम और भी करते हैं, इसमें जो है हरी प्याज भी है और शिमला मिर्च भी है, ठीक है, जो अगर डालना चाहते हैं तो वो डालना चाहें तो बेशक डालें, नहीं डालना चाहें कोई मसला नहीं, अपनी मर्ज़ी है, ठीक है, हमें अच्छी लगती है इसलिए हम लोग ये खाते हैं। आप लोग शायद फर्स्ट टाइम खा रहे हो तो आपको समझ में ना आए, आप ऑर्डर भी कर सकते हैं हमें, आप चाहेंगे तो हमें आप ऑर्डर पे भी आपको मिल सकता है, ठीक है, इंशाल्लाह।
अभी हरी प्याज डाल के इसको ज़्यादा नहीं पकाया जाता, हल्का सा बस जो है मतलब 5-10 सेकंड पकाया, बहुत ज़्यादा 20 सेकंड, इसके बाद जो है आप जो है चूल्हा बंद कर दें, वरना वो जो है जायका ख़राब होने के चांस होते हैं। ठीक है, तो हम अब चूल्हा बंद करेंगे, सिलेंडर का बंद कर दें हम। ठीक है भाई, ये देखें भाई, अब ये सिलेंडर का चूल्हा हम बंद करने जा रहे हैं। ये लो भाई, बिल्कुल हो गया बंद। हाँ भाई, ऐसा भी होता है, क्या करें, पाकिस्तान में रहना है तो ये सब कुछ बर्दाश्त तो करना पड़ेगा। अल्लाह ने हिदायत दे, आप भी दुआ करें, हम भी दुआ करते हैं। तो अब मिलते हैं सीधा दस्तखान पे। तो जनाब ये अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, और इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है, मगर हम जो है चावल के साथ खाते हैं। और बाकी इंशाल्लाह इसका जो सेकंड पार्ट है जिसको बोलते हैं लहसुन, वो हम आपको बताएंगे सेकंड इंशाल्लाह व्लॉग में जब हम बनाएंगे, ठीक है ना। और ये नींबू का अचार, और ये मूली, इसको बोलते हैं मूली, ठीक है ना। तो अब ये खाना खा लें, इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह खाना वाना खा लिया हमने, और बहुत मज़ा आया, बेहतरीन, क्योंकि ये तो हमारी है ही फेवरेट डिश। और ऐसा है कि आप लोगों ने देखा कि क्या इसका प्रोसेस होता है, किस तरह ये बनता है, और मतलब क्या क्या चीज़ें डलती हैं। अगर आप लोगों को ना समझ में आई हो तो काइंडली आप हमें ईमेल करें, और ये व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है, हम आपको रिप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि मैंने कहा कि ऑर्डर भी कर सकते हैं, तो बहरहाल आप लोगों की मर्ज़ी है। और प्लस आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, खाना अच्छा लगा हो तो लाइक ठोको यार, लाइक ठोको बस, ठीक है ना, बहुत हो गया है, आप लोग लाइक नहीं करते यार, आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को शेयर करें, ठीक है, और कमेंट्स करना ना भूलिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, शब्बा खैर।